Assam's most popular super cop, IPS Anand Mishra, has tendered his resignation letter to Chief Secretary of Assam P.K. Pujari, and which will come into effect from 16th of January 2024. तो देखिए, IPS officer बनने के लिए साल में 7 से 8 लाख एग्जाम मतलब अपेयर करते एग्जाम देते आदमी लोग स्टूडेंट्स एस्पायरेंट्स लोग उनमें से 700-800 उससे भी कम लोग को IPS ऑफिसर का जो बनने का मौका मिलता है। तो आखिर आनंद मिश्रा ने IPS ऑफिसर बनने के बाद उन्होंने रिजाइन क्यों किया, IPS वो इंडियन पुलिस सर्विस में क्यों नहीं रहना चाहते, तो ये चीज़ जो है वायरल हो रहा है पूरे सोशल मीडिया पे, न्यूज़ चैनल पे, आप न्यूज़पेपर पे बोलिए, आप वेबसाइट पे बोलिए, सब जगह में ये वायरल हो रहा है। तो देखिए, इसके बारे में थोड़ा मैं बातचीत करना चाहता हूँ यहाँ पे। आनंद मिश्रा के बारे में थोड़ा आप लोग को बता दूँ कि देखिए, वो सोशल सर्विसेज में वो काम करना चाहते हैं, उन्होंने ऐसा रेजिग्नेशन लेटर पे क्या लिखा था वो पहले बताता हूँ। उन्होंने रेजिग्नेशन लेटर पे अनकंडीशनल रीजन दिया था, मतलब अनकंडीशनल कुछ रीजन नहीं है, ही वांट टू यू नो परसू लाइफ ऑफ फ्रीडम लाइफ, वो इंडिपेंडेंस रहना चाहते हैं बियॉन्ड द मैंडेट ऑफ IPS। उन्होंने पुलिस सर्विस में जो रहते हैं ना उसके मैंडेट मतलब बियॉन्ड द मैंडेट ऑफ, उसके अलावा वो काम करना चाहते, पब्लिक सर्विस के लिए वो काम करना चाहते, ऐसा उन्होंने लिखा था। ओके, उसके बाद ये पूरा वायरल हो गया और बहुत लोग ये कह रहे हैं कि वो पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, मिनिस्टर बनना चाहते हैं, जिस कारण से उन्होंने रिजाइन किया, ऐसा ऐसा जो है बातें जो है निकल के आ रहा है, उन्होंने क्या किया, वो सारी चीज़ इस वीडियो में बात करेंगे। देखिए, उससे पहले मैं आप लोग को IPS आनंद मिश्रा के बारे में थोड़ा बायो बता देना चाहता हूँ, अगर नहीं पता है तो आप लोग को बहुत अच्छे से। देखिए, ही वॉज बॉर्न इन कलकत्ता, वेस्ट बंगाल, ओरिजिनली वो बिहार से बिलोंग करते। ही हैज क्रैक्ड UPSC बैक इन 2011 बैच के है, 225th उनको रैंक मिला था ऑल इंडिया सर्विस में, जो कि इंडियाज मोस्ट टफेस्ट एग्जाम है जो है, उसमें उन्होंने क्रैक किया था। उसके बाद वो IPS बन गए थे एंड फर्स्ट उनका पोस्टिंग हुआ था मेघालय स्टेट में हुआ था उनका। ओके, एंड वहाँ पे वो अलग अलग जगह में ही वर्क एज यू नो एडिशनल सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस वो काम किए थे, गारो हिल में, जयंती हिल में। उसके बाद वो आसाम पे आ गए थे, आसाम पे 4 दिनों में एंटी करप्शन के साथ काम किया। फिर उसके बाद इधर आपका धुबरी में वो SP थे, ही वॉज पोस्टेड एज SP यू नो इन धुबरी डिस्ट्रिक्ट इन आसाम, एंड लेटर इन नौगांव में भी वो SP थे। उसके बाद रिसेंटली ही वॉज पोस्टेड इन लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट में उनको पोस्ट किया गया था। एंड आप लोग को बता दूं कि वो SIT के हेड भी उनको अपॉइंट किया गया था रिसेंटली ऑन 15th of December को, जो मणिपुर में जो वायलेंस हुआ था ना मणिपुर वायलेंस का जो SIT है वहाँ पे उनको हेड बनाया गया था इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी करने के लिए। तो बहुत लोग कह रहे हैं कि वो मतलब वो बनना चाहते हैं, मिनिस्टर बनना चाहते हैं, ऐसे ऐसे कहने का मुझे कह रहे हैं, बात निकल के आ रहा है। तो देखिए, वो उन्होंने तो कहा, सारा चीज़ें डिनाई किया, उन्होंने कहा कि मैं बाइक राइड करना चाहता हूँ, वो बाइक राइड भी करते रहते हैं। ओके, वो बहुत पॉपुलर यूथ में वो बाइक राइडिंग करते, मैंने बोला ही था कि बाइक राइडिंग करते, गाना गाते, सिंगिंग, म्यूजिक वो इंस्ट्रूमेंट बनाते, गिटार जो होता है ना, गिटार वगैरह वो बजाते, सिंगिंग करते, फिर मार्शल आर्ट्स करते, तो और अवेयरनेस देते रहते वो YouTube चैनल पे, बोले सोशल मीडिया पे हेलमेट पहनना जरूर क्यों जरूरी है, वो सारा चीज़ हेलमेट के बारे में वो अवेयरनेस देते, रैली करते, बाइक अवेयरनेस, सोशल अवेयरनेस वगैरह जो है वो फैलाते रहते, बाइक राइड करते रहते, तो सब लोग उनको पसंद करते हैं। आसाम में तो सब लोग पसंद करते, इनफैक्ट वो इंडिया में बहुत लोग उनको चाहते हैं, क्योंकि उनका स्माइलिंग फेस, मतलब काम करने का तरीका, मतलब उनका काम करने का तरीका भी सब लोग पसंद करते हैं। तो वो उतना ही नहीं, उनका यूट्यूब चैनल भी है, वो बहुत पॉपुलर भी है अपने यूट्यूब चैनल पे, उनका पेट्रोलर कॉप बोल के यूट्यूब चैनल है, जहाँ पे 159K से ज़्यादा उनका सब्सक्राइबर है। और फेसबुक पे उनका पेज भी है, फेसबुक पेज में भी बहुत फॉलोअर्स है भैया, उनका 237K फॉलोअर्स से ज़्यादा उनका फॉलोअर्स है फेसबुक में। तो मतलब बहुत पॉपुलर है वो, हर न्यूज़ चैनल पर वो छाए रहते हैं, न्यूज़ चैनल में कुछ ना कुछ मतलब उनका काम करने का तरीका सब लोग पसंद करते, तो सब तो मीडिया में भी वो पॉपुलर है, बहुत पॉपुलर। तो देखिए, उन्होंने रिज़ाइन क्यों किया, उन्होंने तो बोला कि दिनेश किया कि मैंने डिसाइड नहीं किया पॉलिटिक्स में जॉइन करने के लिए, ऐसा उन्होंने कहा है। तो देखिए, मुझे ऐसा लगता है वो आई वांट टू यू नो परस्यू माय लाइफ, इंडिपेंडेंस रहना चाहता हूँ बियॉन्ड द मैंडेट ऑफ IPS उन्होंने लिखा था। तो देखिए, आप जॉब सर्विस में जब आप रह जाते हो ना, आप जॉब नौकरी करते हो, तो कुछ कुछ जो चीज़ें हैं यू कैन डू यू नो, तुम्हारा आपके डिज़ायर से जो आप चाहते हैं ना वो कर नहीं सकते, क्योंकि देखिए जब आप नौकरी में रहते कुछ कुछ चीज़ें जो है गवर्नमेंट की जो बातें होता है, जो गाइडलाइंस होता है, वो मानना पड़ता है, जो जो कि आप कर नहीं सकते पर्सनल लाइफ में, आप वो चीज़ें जो है कर नहीं सकते। तो ऐसा भी हो सकता है कि वो उन्होंने कहा ही कि मैं कुछ करना चाहता हूँ पर्सनल लाइफ में, मतलब इंडिपेंडेंट होकर कुछ करना चाहता हूँ। तो कुछ कुछ सेक्टर में देखिए, बहुत सारे लोग IPS बनना चाहते, पागल है पूरी इंडिया के जितने भी यूथ है, सारे लोग कोचिंग ले रहे हैं, मतलब रोज पढ़ाई कर रहे हैं, दिन रात पढ़ाई कर रहे हैं IPS बनने के लिए। बनने के बाद भी आदमी लोग कुछ कुछ ऐसे मैंने देखे कि वो सेटिस्फेक्शन
नहीं होते, या ऐसा भी है बहुत लोग नौकरी में जाने के बाद वो सेटिस्फेक्शन उनको नहीं मिल रहा, या डिजायर होता है किसी का, मुझे अभी आईपीएस बहुत कर लिया भाई, आईपीएस मतलब पुलिस सर्विस में मैंने बहुत समय तक मैंने सर्विसेज दे लिया, अब मैं दूसरा कुछ करना चाहता हूँ, शायद हो भी सकता है वो मिनिस्टर भी बन जाए, मिनिस्टर देने का देख मिनिस्टर बन के भी तो वो सोशल सर्विस जो है दे सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है वो सिविल सर्वेंट बन के, वो आईपीएस बन के उन्होंने सोशल सर्विस ऑलरेडी 2011 से 2023 तक उन्होंने दे दिया। समटाइम आप लोग का भी मन में ऐसा आता होगा कि नहीं यार इसमें मन नहीं लग रहा, अभी इस काम पे मन नहीं लग रहा, अभी इसको छोड़ के मैं कुछ और करना चाहता हूँ, जिंदगी में कुछ और करना चाहता हूँ, ऐसा थॉट्स आता होगा आप लोग का भी, तो उनका भी शायद ऐसे कुछ थॉट आया होगा जिस कारण से वो स्विच करना चाहते, दूसरा प्रोफेशन में जाना चाहते, दूसरा काम करना चाहते जहाँ पे उनको मतलब फ्रीडम के साथ मतलब इंडिपेंडेंस के साथ करना चाहते हो, ना कि गवर्नमेंट का रूल्स फॉलो करके, कुछ गाइडलाइंस होता है जो रूल्स होता है वो फॉलो करके, मतलब कुछ चीज़ें जो है अब नौकरी में रह के आप कर नहीं सकते, अगर नौकरी से बाहर चले जाते हो सिविलियन बन के, नॉर्मल इंसान बन के बहुत सारे चीज़ें जो है आप कर सकते हो जो कि नौकरी में रह के आप नहीं कर सकते, शायद ऐसा हो सकता है उनका भी ऐसा थॉट्स आया होगा जिस कारण से वो उन्होंने रिजाइन कर दिया एस यू नो आईपीएस ऑफिसर, इंडियन पुलिस सर्विस में अब नहीं रहना चाहते, ऐसा भी हो सकता है, हो सकता है उनका डिज़ायर जो चेंज हो गया, उनकी इच्छा जो है जो विश जो है उनका चेंज हो गया। देखिए डिज़ायर जो होता है आदमी का चेंज होते रहता है, देखिए आपको अभी कुछ खाने चॉकलेट खाने का मन है, फिर आपको शाम को भूख लग रहा था मोमो खाने का मन, मतलब मन भी ऐसा कुछ है कि मतलब ये बीच बीच में चेंज होता रहता है, आपका डिज़ायर जो होता है इच्छा जो होता है ना आदमी की इच्छा ज़्यादा होते रहते हैं, तो माइंड में कुछ कुछ इच्छा होते रहता है, उनको पहले आईपीएस बनने का मन था आईपीएस बन लिया, तो अभी उन्होंने सोचा छोड़ो यार वोट कर लिया आईपीएस, अभी मैं कुछ दूसरा करना चाहता हूँ, ऐसा भी हो सकता है, और उन बहुत लोग ऐसा मन में आ रहा होगा कि उन लोग के माइंड में आ रहा होगा कि वर्कलोड की वजह से, देखिए वर्कलोड की वजह से ये माय पर्सपेक्टिव कर रहा हूँ कि हो भी सकता है, देखिए आप नौकरी में रहते हो जॉब सर्विसेज में रहते हो, जो आप नौकरी करते हो या जो करने वाला आप लोग को पता होगा, आप नौकरी में रहते हो तो आपको टाइमली जाना पड़ता है आना पड़ता है और बहुत प्रेशर रहता है, बहुत सारे जैसे पुलिस का जॉब में तो बहुत प्रेशर रहता है, SIT का हेड उनको बनाया गया था मणिपुर वायलेंस में जो हुआ था मणिपुर वायलेंस जो 3rd of May में हुआ था 2023 को, उसके लिए SIT फॉर्म किया गया था, वहाँ पे हेड भी बनाया गया था, ही वॉज द हेड ऑफ यू नो ही वॉज अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ SIT फॉर द मणिपुर वायलेंस विच वॉज ऑकर्ड ऑन 3rd of May 2023, तो इंक्वायरी वगैरह इन्वेस्टिगेशन सारे चीज़ के लिए उनको हेड ऑफ द SIT बनाया गया था, तो हो सकता है कि काम के प्रेशर की वजह से भी उन्होंने रिजाइन किया होगा, हो देखिए काम का प्रेशर वर्कलोड भी बहुत होता है कोई कोई लोग मतलब काम के प्रेशर की वजह से भी बहुत लोग जो है रिजाइन कर देते हैं, सर ऐसे सोचते हैं कि छोड़ो यार मैं कुछ साला मैं डेली लेबर का काम ही कर लूँ, साला इतना प्रेशर है, ऐसा भी हो सकता है, ओके इच्छा तो होता है, देखिए भाई IPS बनने की इच्छा होता है बाद में, फिर वो जब आप IPS बन जाएंगे तो वर्कलोड वगैरह अगर कोई टॉलरेट नहीं कर पाता है ना तो रिजाइन कर देते और फिर दूसरा इच्छा हो जाता है तो उसके बाद भी रिजाइन कर दे, तो इच्छा जो आदमी का जो इच्छा है ये स्विच होते रहता है चेंज होते रहता है, तो उन्होंने भी ऐसा कुछ सोचा होगा, उन्होंने वैसे कहा नहीं कि उन्होंने पॉलिटिक्स में ज्वाइन कर, ऐसा ऑफर निकल के आ रहा है कि बॉक्सर बिहार के बॉक्सर से वो अपकमिंग ही गोना कॉन्टेस्ट यू नो अपकमिंग लोकसभा इलेक्शन जो 2024 में होने वाला है, ऐसा बॉक्सर से वो मतलब पॉलिटिक्स में वो ज्वाइन करेंगे BJP के होके वो इलेक्शन खेलेंगे, ऐसा सुनने को आ रहा है, तो हो सकता है, देखिए कौन कहता है कि रिजाइन करने के टाइम पे कि मैं पॉलिटिक्स में ज्वाइन करूंगा, ऐसा कोई तो कहता ही नहीं ना, तो उन्होंने भी ये डिनाई किया है, फिर भी हो सकता है उनका पॉलिटिक्स में जाने का इच्छा है, पॉलिटिक्स में जाके मैंने बोला ही था कि सिविल सर्विस में रह के बहुत कर लिया, सिविल सर्विस अभी मैं सिविल सर्वेंट बन के सर्विस बहुत दे दिया, मैं अब मिनिस्टर बन के भी सिविल मतलब आदमी को सेवा देना चाहता हूँ, सर्विस देना चाहता हूँ, ऐसा उन्होंने ऑलरेडी कहा भी है, तो मिनिस्टर बन के वो शायद देना चाहते तो उसमें बुरी बात क्या है, तो अगर वो मिनिस्टर दे के भी आदमी का भलाई कर रहे हैं, आदमी को सोशल सर्विसेज दे रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, तो अच्छी बात है ना, मैं तो चाहता हूँ कि वो बन जाए MP बन जाए या कैबिनेट मिनिस्टर ही बन जाए, कैबिनेट मिनिस्टर बनने से और भी अच्छा है, कुछ कुछ मिनिस्ट्री मिल जाएगा तो उनका जो स्कीम्स वगैरह बहुत सारे फायदे जो होते हैं ना वो स्कीम्स के फायदे वगैरह जो है वो पब्लिक को दे पाएंगे, और वो पब्लिक के पास मैक्सिमम टाइम आप लोग देखेंगे पब्लिक के पास वो जाके बातचीत करते जानने की कोशिश करते ही ट्राइज टू अंडरस्टैंड यू नो the grievance of the people of the public, तो आप लोग अक्सर वीडियो में न्यूज़ चैनल पर आप लोग देखते होंगे, तो वो अच्छे से सबको समझाते हैं, वो बातचीत करते हैं, तो हो सकता है कि वो मतलब MP बन के वो मिनिस्टर बन के वो और ज़्यादा अच्छा सेवा दे सके आदमी लोग को, ऐसा हो सकता है, तो ये था IPS आनंद मिश्रा के बारे में जो वायरल हुआ था उसके बारे में आप लोगों को थोड़ा बता दिया, थोड़ा वीडियो लंबा ही हो गया,
अगर कुछ जानना हो तो मुझे आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो ओके। अगर कुछ डाउट है या कहीं गलती कर दिया तो रियली सॉरी फॉर दैट, आई अपोलोजाइज फॉर दैट ओके। और ऐसे में इंटरेस्टिंग टॉपिक कंटेंट लेके आता रहता हूँ जो ट्रेंडिंग होता है। सो मिलेंगे अगले ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, टेक केयर, सी यू सून। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, ट्रेंडिंग टॉपिक लेके आता रहता हूँ ओके। अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो ऐसे जो टॉपिक होगा ना, आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, तो जानने को नहीं मिलेगा।